पूरे लेक्चर में ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी का मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डील नहीं किया, क्योंकि मैं जो लेक्चर दे रहा था मैंने इस्लाम में बीवी का मकाम बेटी का मकाम मैं उसको पॉजिटिवली लेके चल रहा था और मैं जान रहा था कि ये सब सवाल क्वेश्चन आंसर सेशन है तो आएगा ही आएगा और जो कि आया भी। तो ट्रिपल तलाक, सबसे पहले मैंने कुरान की आयत बोली सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19, उसमें अल्लाह ताला फरमाते कि अपनी बीवियों से अच्छा सुलूक करो, अगर तुम उनको नापसंद करो तो फौरन तलाक दे दो या ऐसा कर दो, ऐसा नहीं लिखा, बल्कि हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सारी भलाई पैदा कर दे, पहले रोका। फिर सही हदीस में भी अगर आप पढ़िएगा सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2177, उसमें भी लिखा हुआ है कि सबसे जो नापसंदीदा चीज़ जो जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह के नज़दीक वो तलाक है। मतलब तलाक अलाउड है लेकिन नापसंदीदा है अल्लाह के नज़दीक, अच्छा डिज़ायर मतलब उसको अच्छा नहीं माना गया। और शैतान जो दुश्मन है जो कि डेविल है वो सबसे ज़्यादा खुश होता है तलाक से, सबसे ज़्यादा अगर खुश होता है, हदीस पढ़िएगा तो उसमें लिखा हो कि वो तलाक से खुश होता है, जब किसी भी हस्बैंड और वाइफ को वो अलग कराता है तो सबसे ज़्यादा खुश होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम में एक एक्सट्रीम पे चले जाए और बोले कि तलाक होता ही नहीं है, तो फिर मुझे फिर से बताना पड़ेगा। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था यूएस का कि यूएस में तलाक, क्योंकि वहाँ पर होता है केस हियरिंग्स होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, वहाँ भी होता है कि केस हियरिंग होता है कि हस्बैंड जाके अपना बात बोलेगा, वाइफ जाके अपने रीज़न देंगी, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इतना लंबा प्रोसेस हो गया कि एक हस्बैंड वाइफ अपने फ्लैट में दीवार खड़ा कर दिया उन्होंने कि मैं इधर रहूँगा तुम उधर रहो, क्योंकि उनका तलाक ही नहीं हो रहा था। तो इतना लंबा प्रोसेस कर दिया। और तलाक के दूसरे भी हिस्से, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये पता नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया वाले अभी मेरे लिए आर्टिकल छाप रहे थे, लेकिन ये आर्टिकल टाइम्स सोलमेट मतलब जहाँ पर शादी का जो कॉलम रहता है, इससे शादी है, ये ग्रूम रिक्वायर्ड ब्राइड रिक्वायर्ड वो दूल्हा चाहिए दुल्हन चाहिए, वहाँ पर उसी में से ये है, आई एम लकी, एक औरत बोल रही है आई एम लकी दैट लाइफ गिव मी अ सेकेंड चांस, कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ज़िंदगी ने एक और मौका दिया। कैसे? उसका जो पहला हस्बैंड था उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, तलाक हुआ, तो तलाक का मतलब ये थोड़ी ना होता ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बल्कि वो तो बोल रही कि मैं लकी हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे उसने तलाक दे दिया और अभी जो दूसरा हस्बैंड है वो अच्छा से सलूक कर रहा मेरे साथ। इस तरह एक और, बींग अ डाइवोर्सी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि जब डाइवोर्स होता है तलाक होता है तो ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना होती। और फिर से वहाँ भी एक दूसरा एग्जाम्पल वो लोग कोट कर रहे हैं, पता नहीं ये लोग मेरे लिए कोट किया लेकिन मेरा काम का है ये। तो तलाक हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी केसेस ऐसा हो जाता है जहाँ पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है, तो उस केस में इस्लाम कहता है कि आप तलाक दे सकते हैं, आप अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों स्ट्रीम, एक तो बोलता है कुछ लोग कि तलाक होना ही नहीं चाहिए, एक बोलते हैं कि तलाक 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 तुरंत तलाक, तो दोनों एक्सट्रीम के बीच में इस्लाम बोलता है कि दोनों के एक्सट्रीम के बीच में बोल रहा है कि तलाक हो सकता है लेकिन उसके लिए स्टेप्स बताए, उसके लिए तरीका बताए। और ये कुरान में पूरा एक चैप्टर है, इस कुरान में अगर आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 65 सूरह तलाक, अगर मैं ऑडियंस से अभी पूछूं ऑडियंस में कि कितने लोग हैं जिसने इसको मीनिंग के साथ पढ़ा, जिसने समझ के पढ़ा सूरह तलाक, तो शायद ही कुछ लोग हाथ उठाएंगे, हो सकता उठा दे, और हो सकता है उन एंकर्स ने भी नहीं पढ़ा जो कि टीवी पे आ रहे हैं, या वो लोग जो कर रहे हैं ऐसा सिस्टम वो लोग भी नहीं पढ़े होंगे। तो इस्लाम में पूरा तरीका बताया हुआ है, ऐसा थोड़ी ना है कि घर में आपका मूड खराब है, आप गुस्सा में हैं, आप घर आते हैं, आपकी बीवी बोलती मुझे 1,000 रुपये चाहिए, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, आप बोले तलाक 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 जाओ, ऐसा इस्लाम में नहीं होता। इस्लाम में पूरा स्टेपसिंग बताया हुआ कि कैसे आपको तलाक देना है। सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी में, जब हस्बैंड और वाइफ में अनबन हो तो सबसे पहले एडवाइज़र उससे बात करो, उसको समझाओ, अगर नहीं माने तो फिर उसको अलग करो, बिस्तर को अलग कर दो, फिर भी नहीं माने तो सिम्बॉलिक बीटिंग दो, फिर भी नहीं माने तो चैप्टर 4:35 में एक आर्बिट्रर मतलब हस्बैंड की तरफ से एक बड़े आदमी को लाओ, वाइफ की तरफ से एक बड़े आदमी को लाओ, दोनों बैठ करके डिसाइड करो, अगर फिर भी नहीं होता तो आप तलाक दे सकते, एक तलाक।
आप देख सकते हैं। और उसके बाद इद्दत का पीरियड होता है, एक तलाक देने के बाद 3 महीने का 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम होता है जिसमें आप रुजू कर सकते हैं, मतलब जिसमें आप बोल सकते हैं कि आपको हो सकता है आपने तलाक दे दिया अभी, और फिर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आपको लग रहा है ये बेकारी का तलाक दिया, अभी इतना अच्छा था, खाना मिल रहा था, सब चीज़ हो रहा था, अभी इतना मुश्किल हो गया, तो आप रुजू कर सकते हैं उसको, अपना वापस ला सकते हैं अपने। लेकिन अगर 3 महीना गुजर गया तब फिर तलाक कंप्लीट हो गया, इस्लाम 3 महीना का पीरियड दे रहा सोचने के लिए, उसके बाद तलाक कंप्लीट हुआ और उसमें होता है एक तलाक, यहाँ एक कंप्लीट हुआ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि आप लोग अपनी जो कि जिससे तलाक हुआ है उससे निकाह करना चाहे अगर कोई वाइफ, अगर कोई औरत, तो आप उससे रोको नहीं, फिर से उससे निकाह हो सकता है, फिर से चाहे तो, क्योंकि हो सकता है 3 दिन 4 दिन 3 महीने में समझ नहीं आया, लेकिन 1 साल जब गुजरा तो सोच रहे फिर तो ये तो मुश्किल हो गया, मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया, तो फिर आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन नया मेहर नया कंडी, पूरा नया निकाह करना होगा, फिर से आपको मेहर देना होगा, फिर से आप आए, फिर से अनबन हो गया, फिर से पूरा स्टेपिंग फॉलो होगा, चैप्टर 4 वर्स 34 का, पहले समझाओ, बिस्तर अलग करो, आर्बिट्रस नहीं हुआ तो फिर से आप एक और तलाक दे सकते हैं। नंबर 2, अभी नंबर 2 हुआ, फिर 3 महीना का पीरियड, अब फिर से अगर निकाह कर रहे, फिर से ला रहे, तो अरब में क्या होता था कि इस तरह की औरत को बार बार तलाक देते थे, बार बार लेके आते थे, तलाक दिया आज फिर कल वापस, तलाक दिया आज फिर कल वापस, 1000 बार करते थे, तो औरतों के मकाम को नीचा किया था, इसको ऊंचा करने के लिए इस्लाम ने लिमिट लगा दिया, नहीं नहीं ये तलाक जो हो रहा है, ये शादी जो हो रहा है, ये गुड़िया गुड्डा का खेल थोड़ी ना है कि अभी किया फिर ख़त्म कर दिया, फिर कल किया फिर अभी ख़त्म कर दिया, नहीं, अगर अब तीसरी बार तुम दोगे, अगर थर्ड टाइम, 2 बार तो हो गया, अगर थर्ड बार तुम देते हो तो अल्लाह ताला फरमाते चैप्टर नंबर 2 वर्स 229 में कि अब अगर तीसरा बार दे दिया तो तब एक इम्पॉसिबल क्लॉज डालते हैं उसमें, एक नामुमकिन कंडीशन डालते हैं कि अगर, क्योंकि अगर वो तीसरा तलाक देगा तो 100 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा कि दूँ कि नहीं दूँ, क्योंकि अगर अभी दिया तीसरा तलाक दिया तो जब तक कि वो किसी के साथ शादी नहीं करती और फिर वो उसको तलाक नहीं देता, टेम्प्ररी नहीं, क्योंकि अगर आप सही हदीस पढ़िएगा, सही बुखारी हदीस नंबर 5115, तो टेम्प्ररी मैरिज कि थोड़ा दिन के लिए जो मैरिज होता है कि वो बोले कि बस थोड़ा दिन के लिए मैं रखता हूँ फिर तलाक दे दूंगा, ये इस्लाम में अलाउड नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये जायज़ नहीं इस्लाम में। अगर वो सही में शादी करती है और फिर से उससे भी अनबन होता है और स्टेपिंग्स फॉलो करके तलाक हो जाता है तब फिर वो वापस आएगी, तो तीसरे टाइम को रोकने के लिए ये इम्पॉसिबल क्लॉज उसमें डाला गया, तो ये तलाक का पूरा सिस्टम है इस्लाम में।